Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव होने से पहले ही जो है राजनीति के अंदर काफ़ी उछाल आ चुका है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि INDC से अलग होने के बाद दुष्यंत चौटाला जी ने अपने परिश्रम से जो आज अपनी नई पार्टी JJP यानी जनहित जनता पार्टी का जो गठन किया है और काफ़ी तरीके से इसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत में लगे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी का नाम आज के टाइम पूरे इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है शीर्ष यंग नेताओं के अंदर गिना जाता है। आपको बताते कि हरियाणा के सबसे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी आज बच्चे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक यानी छोटे से लेके बड़ों तक की जुबान पे छा चुका है। जींद के अंदर हुई रैली की आक्रामक भीड़ को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा की कमान आने वाले इलेक्शनों में दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में आने वाली है। अन्य आप लोगों की क्या राय, आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या सोचना है। आपको बता दें कि हरियाणा के जो है काफ़ी बड़ी पार्टियां जैसे कि आप या और अन्य पार्टियां हैं जो बिल्कुल डाउन चल रही थी हरियाणा के अंदर, वो गठबंधन के लिए दुष्यंत चौटाला जी से जो है मुलाकात के लिए टाइम मांग रही है और काफ़ी जोर लगा रही है कि दुष्यंत चौटाला जी से कैसे गठबंधन करके वो अपनी सरकार बना पाए। लेकिन ये तो चुनावी अभियान के बाद ही पता चल पाएगा कि JJP पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी या JJP पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर काफ़ी जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है प्राचीन नेता यानी पुराने नेता अपना गढ़ बनाए बैठे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि वो इस बार इलेक्शन में जो है गढ़ बनाए बैठे नेता है, उनका गढ़ को पूरे हिलाने की तैयारी में है। वो उनके गढ़ को पूरी तरह से हिला देंगे और राजनीति के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। दोस्तों हरियाणा के अंदर इस बार चुनाव में वो होने वाला है जो नहीं तो आज तक कभी हुआ और नहीं आने वाले समय कभी होगा। हरियाणा की जनता पूरे तरह से बदलाव चाहती है और इस बदलाव के लिए जो हरियाणा की लगभग 75% जनरेशन यही चाहती है कि उनके युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी सबसे आगे हो। वो दुष्यंत चौटाला जी को चाहती है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के लगभग 60% से ज़्यादा वर्ग युवा वर्ग है और हर युवा वर्ग की जुबान पे दुष्यंत चौटाला जी का नाम छाया हुआ है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये हमारा सर्वेक्षण कर रहा है, ये हमारे जो सर्वेक्षण हमने किया था उसके आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं कि हरियाणा का युवा वर्ग दुष्यंत चौटाला जी को अपने आने वाले भविष्य हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अन्य कोई राय है, आप लोगों का क्या सोचना है, हमारी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ में, सोशल इशू के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।